हैं, बहुत रोजगार के कार्य किए हैं और गरीबों का साथ का मुखिया है। नाला से लेके नाला तक ले, पीस तक ले, इंद्रावास से लड़के कहीं से लिया कर गरीबों का साथ देते हैं। क्या चाहते हैं आप? हमारा मुखिया अभी भी है, आप फिर भी रहेगा। दोबारा एक बार फिर से चंदन पासवान को ही चुनना आप लोग चाहते हैं? हाँ, हम चंदन पासवान का मुखिया बना। रामनगर प्रखंड के तोलहा पंचायत की जनता ने लिया संकल्प, एक बार फिर चंदन पासवान को ही बनाएंगे मुखिया। बुलंद नारों के साथ पंचायत की जनता ने दिया समर्थन। तोलहा पंचायत ने सोहन पंडित, नन्नू यादव, उषा देवी, सावित्री व अन्य समेत लोगों ने कहा कि मुखिया चंदन पासवान गरीबों के लिए हर योजना का लाभ दिलवाते हैं। वृद्धा पेंशन, आवास योजना, नल जल, नाली गली समेत अन्य कई विकास कार्यों को पूरा निष्ठा और ईमानदारी से किए हैं। अब तोलहा पंचायत जी के मुखिया के रूप में किसको चुनना पसंद करेंगे? चंदन पासवान को। क्यों? बहुत काम किए हैं। क्या काम किए हैं? बहुत मसाला सड़क बनवाया है, कितना नाली नाली को बनवा दिया है, और जाके देखिए स्थान पर वहाँ पर मकान बनवा दिया, सिटी उपटी सब बनवा दिए। तो हम लोग मुखिया के द्वारा आप लोगों के पंचायत में लगातार विकास काम होता रहा? बहुत होता रहा है। मुखिया द्वारा कभी आप लोगों से कोई पैसा वैसा का भी मांगा? नहीं, पैसा नहीं लिया है आज तक। यहाँ की जनता आपको मुखिया के लिए चुनी थी और इस बार फिर यहाँ की जनता का ये मूड देखा जा रहा है। यहाँ की जनता ये कह रही है कि चंदन पासवान को ही फिर से हम मुखिया बनाएंगे, तो आप यहाँ की जनता के लिए क्या कहना चाहेंगे और आपका अगला कदम यहाँ के लोगों के लिए क्या होगा? देखिए, मैं जी जान से इस पंचायत के लिए मुझसे जितना बन पा रहा है, जितना मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे पंचायत में सबसे आगे रहे, जिला में टॉप करे, इसके लिए मैं हमेशा तत्पर रहता हूँ। भविष्य में भी मैं देखना चाहता हूँ कि मेरा पंचायत सबसे आगे रहे, इसको आदर्श पंचायत घोषित किया जाए। एक चीज और, कोविड के लिए भी अभी मैं पूरे प्रखंड में मेरा नंबर वन है, ऐसे भी पंचायत में प्रखंड में मेरा पहला स्थान है। मैं हर गरीबों के लिए मैं चाहता हूं कि इंदिरा आवास बने, हर घर में शौचालय बने, हर घर की नाली का व्यवस्था हो, हर घर में लाइट जले, हर घर में सुख सुविधा हो। ये ना कहे कि हर किसी को राशन कार्ड हो, हर गरीब को खुशहाली रहे। मुखिया जी, आप एक चीज बताइए, आपके वार्ड नंबर 3 में एक वार्ड पार्षद की गड़बड़ी की सूचना मिली है जी, जी। तो इस पर आपका अगला कदम क्या होगा? क्या वो तो बेईमान है, मैं तो वहाँ की जनता से जाकर कहता हूँ कि ऐसा ऐसा आप वार्ड पार्षद जिता दें, वार्ड सदस्य जिता दें, तो पंचायत का विकास नहीं होगा। कई बार मैं उसको बंद भी किया था, मैं पंचायत भवन में, जनता भी जानती है इस बात को, मैं थाना में जी जो उनपे FIR मैंने ही कराया है, मेरे ही द्वारा सुनील जी से रिक्वेस्ट किया गया। इस बात को छोड़िए और ये बताइए कि आपकी जनता पुनः एक बार आपको चुनने की तैयारी में है, तो जनता के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं जनता के लिए धन्यवाद देता हूँ कि मुझे चुने। मैं